ये सामने का व्यू देखिए एक बार, पूरा विला का पूरा यूरोपियन थीम में अलग सेगमेंट है। जयपुर का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है अभी तक वो 250 फीट रोड पे। सबसे बड़ी बात है कि 250 फीट रोड पे प्रोजेक्ट है आपका, और वो भी महिंद्रा सेज के अपोजिट सामने। और अब बात करूँ तो मैं रेडी टू मूव है प्रेजेंट में, विला में फैमिलियाँ भी रह रही है, रिजोर्ट विला भी है, प्लॉट भी है, प्लॉट में मकान बना के रह रहे हैं लोग। तो रेडी टू आज ही आप जैसे खरीद के प्लॉट या विला रह सकते हो, रेडी टू मूव है। लाइट पानी बिजली पानी सब कुछ, क्लब हाउस वगैरह सारी चीजें कंप्लीट है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश गैलेक्सी ग्रुप से आज आपके पास लेकर आया हूँ 152 गज का विला। और अपने प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये अपने प्रोजेक्ट का नाम है गैलेक्सी इंक्लेव द अर्बन विलेज। अपने ये महिंद्रा सेज के 250 फीट रोड पे प्रोजेक्ट है, गेटे टाउनशिप है, 175 बीघा प्रोजेक्ट है, जिसमें अपने पास प्लॉट भी है विला भी है। प्लॉट की रेट की बात करूँ तो अपने 24,900 रुपये प्रति गज अपने प्लॉट की रेट है, और विला की बात करूँ तो अपने 114 यूनिट विला की अपने पास रेडी टू मूव है। और विला 3 साइज में है, 152 गज, 171 गज, 373 गज। और दोस्तों विला अपने पास अभी बहुत कम यूनिट अपने पास अवेलेबल है। तो जैसे मैं आज आपको 152 गज का विला दिखा रहा हूँ जो रिजोर्ट विला है, जैसे आप खरीदोगे उसके नेक्स्ट मंथ से आपको, जैसे रजिस्ट्री होगी उसके नेक्स्ट मंथ से आपको रेंट स्टार्ट हो जाएगा। 152 गज के विला पे आपको 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट मिलता है। अगर 171 गज का विला लेते हो उसमें 42,500 रुपये मिलेंगे, और 373 गज का लोगे उसमें 60,000 रुपये रेंट मिलेगा। तो मैं आपको 152 गज का विला दिखा रहा हूँ, रेडी टू मूव है, जेडी रेरा फ्रूड है, गेटे टाउनशिप है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको 152 गज का विला दिखाता हूँ। और दोस्तों ये विला की साइज की बात करूँ तो मैं, ये 25x55 का अपना विला है, 25 का इसका फ्रंट है देखिए दोस्तों, और इसका एक बार एलिवेशन देखिए दोस्तों कैसा है। और आसपास की जो विला है ये भी दिखाता हूँ मैं, देखिए दोस्तों एक बार पूरा घुमा के दिखाइए इनको। थोड़ा जल्दी कीजिए। और दोस्तों ये रेडी टू मूव विला है, ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है जिसमें प्रेजेंट में फैमिलियां रह रही है। एकमात्र जयपुर का ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो रेडी टू मूव बना है, मतलब कि ना कि प्लॉटिंग या विला भी है, लोगों आके रहने के लिए अपने दोनों ऑप्शन रखा है इसमें। आप प्लॉट भी, प्लॉट बना के भी रह सकते हो और विला में भी रह सकते हो। तो मैं 152 का, चलिए बिना देर किए हुए आपको मैं विला दिखाता हूँ एक बार। ये 25x55 का अपना विला है, 4000 लीटर का आरसीसी का प्रीकास्टेड टैंक है जो कभी लीकेज वगैरह नहीं होगा। 4000 लीटर का यहाँ पे है, और 2000 लीटर के मतलब 1000 लीटर की दो टंकियां ऊपर है अपने पास। तो टोटल 6000 लीटर का स्टोरेज अपने पास पानी का, और ये ऑटोमेटिक है पूरा। और ये पार्किंग आ गई देखिए दोस्तों, और ये इसका मीटर वगैरह हो गया, ये देखिए ये मीटर है, यहाँ गैस कनेक्शन अपने बाहर ही दे रखा है। और अपने पूरी विला यूरोपियन थीम में है दोस्तों, पूरा सेगमेंट अलग है पूरा। और ये टाटा प्रीवियस का डोर है दोस्तों, ये 8 फीट की इसकी हाइट है, और स्टील का डोर है, सिक्योरिटी पर्पज से बहुत बेहतरीन है। ये वुडन का मतलब कि जो वुडन का स्ट्रक्चर है इसका, चलिए मैं आपको एक बार अंदर से दिखाता हूँ। जैसे एंटर होंगे तो ये अपना आता है फर्स्ट बेडरूम, क्योंकि ये रिजोर्ट विला है जिसमें आपको रेंट मिलता है, ये रिजोर्ट विला है दोस्तों। और आपको हर विला में हर रूम किचन हर जगह आपको वेंटिलेशन रहेगा दोस्तों। देखिए ये वेंटिलेशन है, अलग की विंडो है सामने, देखिए दोस्तों ये सामने का नजारा। अब मैं आपको आपको एसी टीवी सब कुछ फुली फिनिश्ड मिलेगा दोस्तों। और ये अटैच वॉशरूम आ गया, और ये होता है अपने पास डाइनिंग एरिया, ये डाइनिंग एरिया आ गया।
देखिए काफ़ी स्पेस है अपने पास, ये एसी वगैरह सारी फोर्सिंग सारा कंप्लीट है दोस्तों। और ये इधर आता है अपने पास, ये किचन आ जाता है, ये मॉडुलर किचन रहेगा पूरा। और जैसे आपको ये अभी जैसे छोटा लग रहा होगा आपको किचन, तो ये भी आपको पूरा एल साइज में यहाँ तक करके देंगे दोस्तों, पूरा एल टाइम में पूरा, क्योंकि अभी रिजोर्ट विला इसमें कोई किचन का काम नहीं है अपने पास, मतलब अभी बना रखा है फिर पूरा करके देंगे। और ये अपना आता है फर्स्ट बेडरूम, ये सेकंड बेडरूम आ गया, देखिए दोस्तों ये सेकंड बेडरूम है, सारा चीज़ें पूरी कंप्लीट है। ये अटैच वॉशरूम है, देखिए ये ड्रेसिंग, और ये अपना वॉशरूम आ गया। और इसमें जो भी फिटिंग हुई है जेगवार की फिटिंग है दोस्तों, इसमें जेगवार की फिटिंग की है अपन ने, क्वालिटी से क्वालिटी में लेके आपको कभी भी मतलब कि दिक्कत नहीं आएगी, पूरा ब्रांड यूज किया है अपन ने। और ये इसकी बालकनी है, अभी कॉमन कर रखी है अपन ने, क्योंकि ये रिजोर्ट विला पूरे सभी के सभी, मतलब जो 114 यूनिट है उसमें 50-50 कर रखा अपने, 50 रिजोर्ट में 50 रहने के हिसाब से है। तो ये रिजोर्ट विला की बालकनी है, और चलिए मैं आपको एक बार आगे से दिखाता हूँ। और इधर को स्पेस मिल जाता है, इधर भी अपन जैसे स्टोरेज वगैरह इसके यूज कर सकते हैं। और ये वुडन की रेलिंग है, इसमें टफन ग्लास का यूज हुआ है। ये आता अपना थर्ड बेडरूम, आइए दोस्तों ये बार बेडरूम देखिए पूरा। इसकी आती है बालकोनी, अलग की विंडो है, स्लाइडिंग डोर है इसका, देखिए ये बालकोनी आ गई। और ये अपना अटैच वॉशरूम आ गया, ये ड्रेसिंग एरिया, और ये वॉशरूम। जेगवार की फिटिंग आपको हर जगह मिलेगी बिल्कुल पूरा। ये अपना हॉल आता है, लॉन्च एरिया, काफी स्पेस मिलता है इसमें भी, देखिए दोस्तों। और ये आता है अपना फोर्थ बेडरूम, देखिए ये फोर्थ बेडरूम है, एक बार देखिए पूरा। वेंटिलेशन आपको प्रॉपर रहेगा, रूम किचन हॉल सब में वेंटिलेशन मिलेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, और ये अटैच वॉशरूम आ गया, ये स्लाइडिंग डोर है, देखिए ये स्लाइडिंग डोर है दोस्तों, ये अटैच वॉशरूम है। इधर शावर एरिया आ गया, और अब चलते हैं अपन बालकोनी की तरफ, आइए दोस्तों। और ये आती है अपनी बालकोनी, देखिए दोस्तों ये सामने का व्यू देखिए एक बार पूरा विला का, पूरा यूरोपियन थीम में अलग सेगमेंट है, जयपुर का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है अभी तक वो 250 फीट रोड पे। सबसे बड़ी बात है कि 250 फीट रोड पे प्रोजेक्ट है आपका, और वो भी महिंद्रा सेज के अपोजिट सामने। और अब बात करूँ तो मैं इसकी प्राइस की, ये अपने 1,05,00,000 का विला है, जिसमें आपको खरीदोगे जैसे खरीदते आपको नेक्स्ट मंथ से आपको रेंट स्टार्ट हो जाएगा, जैसे रजिस्ट्री होगी उसके नेक्स्ट मंथ से आपको रेंट स्टार्ट हो जाएगा 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। रेडी टू मूव है प्रेजेंट में, विला में फैमिली भी रह रही है, रिजोर्ट विला भी है, प्लॉट भी है, प्लॉट में मकान बना के रह रहे हैं लोग बाग, तो रेडी टू आज ही आप जैसे खरीद के प्लॉट या विला रह सकते हो, रेडी टू मूव है। लाइट पानी बिजली पानी सब कुछ, क्लब हाउस वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट है, आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा, सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी सब कुछ ओके है दोस्तों। तो नीचे दिए गए नंबरों पे एक बार कॉल कीजिए और विजिट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।